ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। अपराध पर अंकुश लगाने और शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने जिला पुलिस लगातार अपडेट हो रही है और दुर्ग पुलिस अपने विभिन्न जागरूकता अभियानों और कानूनी कार्रवाई के तहत अपराध नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफलता भी पाई है। वर्ष 2022 में कुल 7,411 अपराध पंजीबद्ध हुए, उसकी तुलना इस साल 2023 में आपराधिक मामलों में कमी आई है। जिले में इस साल कुल 6,555 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से कई मामलों का निराकरण भी हो चुका है। दुर्ग एसपी रामगोपाल गर्ग ने कोतवाली थाना सेक्टर 6 में पत्रकार वार्ता ली, जिसमें उन्होंने एसपी रामगोपाल गर्ग ने साल भर के अपराधों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की सक्रियता के चलते अपराध का दर लगातार गिर रहा है। पिछले सालों की अपेक्षा इस साल अपराध में काफी हद तक कमी आई है। वहीं पुलिस विभाग ने कई अपराधों का निराकरण कर अपराधियों को जेल सिखचों में पहुंचाने में सफलता भी पाई। डकैती, लूट, चोरी, हत्या एवं अपहरण के मामलों को साइबर सेल की मदद से सुलझाया गया है। अगर आंकड़ों में देखा जाए तो साल 2022 की अपेक्षा इस साल अपराधों में कमी आई है। और आपको बता दें कि जिला पुलिस आला अधिकारियों के मार्गदर्शन पर महादेव ऐप सट्टा एवं चिटफंड कंपनियों सहित नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में लगातार सफलता पाई गई और आरोपियों को जेल तक पहुँचा दिया गया है। आपको यह भी बताएं कि दुर्ग पुलिस साइबर प्रहरी सीसीटीवी मोबाइल एवं वेब ऐप पर कार्य करने की योजना है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।